दोस्तों यहाँ पर डंकी का टीजर देखने के बाद जो है वो काजोल का काफी शानदार रिएक्शन सामने आता हुआ दिखाई दिया है। यहाँ पर काजोल बोलती हुई देखने को मिली है कि भाई साहब डंकी जो है वो यहाँ पर हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूवी देखने को मिल रही है, क्योंकि यहाँ पर इस मूवी के अंदर सबसे बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि हमारे घर की क्या वैल्यू है। उसी के साथ यहाँ पर जो कि जैसे कि आपने देखा होगा टीजर के अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर इन पाँचों के ऊपर जो स्नाइपर फायर करता है, मतलब कि इस मूवी के अंदर जो कि हमको काफी ज्यादा इमोशनल सीन्स देखने को मिलने वाले हैं। उसी के साथ ही साथ जो कि इस मूवी के अंदर हमको जो कि काफी ज्यादा फनी सीन्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि इस मूवी के अंदर जो कॉमेडी सीन्स दिखाई दिए हैं वो भाई साहब हर कोई बंदा उन चीजों से रिलेट कर सकता है। उसी के साथ यहाँ पर हर एक नॉर्मल गाय की जो कि जिंदगी बताई जा रही है। अब यहाँ पर देखते हैं कि एक नॉर्मल गाय जो है वो यहाँ पर कैसे अपने सपने जो कि पूरे करता हुआ दिखाई देता है। ऊपर से यहाँ पर इस मूवी के अंदर जो कि SRK का ट्रेन वाला शूट भी देखने को मिला है, मतलब कि यहाँ पर हर एक कलाकार जैसे विक्की कौशल, बमन ईरानी, तापसी पन्नू और शाहरुख खान चारों पाँचों छः जितने भी भाई है वो भाई सब काफ़ी ज़्यादा कमाल लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। और स्टोरी जो कि लंदन तक पहुँचते हैं, कैसे भारतीय जो कि लंदन तक पहुँचते हैं, कैसे वो अपनी स्ट्रगल को पूरा करते हैं, मतलब कि एक एक चीज़ जो कि हमको काफ़ी अच्छे से डिफाइन की जाएगी इस मूवी के अंदर। और हमको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा कि भाई साहब एक नॉर्मल गाय कैसे जो कि अपने सपने पूरे कर सकता है। मूवी के लिए काफ़ी ज़्यादा शुभकामनाएं हैं, मूवी जो है वो काफ़ी अच्छा कमाती हुई देखने को मिले, बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर पहुँचती हुई दिखाई दे। लेकिन यहाँ पर ये भी बोला गया कि ये जो मूवी है डंकी ये शाहरुख खान की सबसे बड़ी मूवी होने वाली है आज तक की, मतलब कि ये मूवी जो है वो काफ़ी बड़े रिकॉर्ड तोड़ने वाली है। क्योंकि डंकी के टीजर ने भाई साहब अभी तक जो कि यहाँ पर एक ही दिन के अंदर टॉप नंबर वन ट्रेंडिंग करता हुआ दिखाई दे रहा है। और आज के दिन के अंदर जो भाई साहब व्यूज़ देखने को मिले इस टीजर के ऊपर कमाल है भाई साहब। यहाँ पर नंबर टीजर टू का जो कि काफ़ी ज़्यादा वेट किया जा रहा है। और देखते हैं ट्रेलर के अंदर क्या था भाई मचाती हुई देखने को मिलती है डंकी, और यहाँ से डंकी जो है वो कितना आगे बढ़ती हुई देखने को मिलती है। तो भाई साहब यहाँ पर डंकी का आपको कितना वेट है, यहाँ पर डंकी वर्सेस सलार के क्लैश के अंदर कौन सी मूवी आपको लगता है कि सबसे ज़्यादा कलेक्शन कर सकती है, ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। लेकिन डंकी का जो पर्सनल रिव्यू है भाई साहब टीजर देखने के बाद मुझे तो यही लगता है कि डंकी जैसी कोई मूवी नहीं होने वाली, क्योंकि यहाँ पर इतनी बेहतरीन इतनी कॉमिक टाइमिंग, मतलब कि एक एक जो कॉमेडी मूवी जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, लेकिन ये मूवी जो भाई साहब काफ़ी ज़्यादा तबाही करने वाली, क्योंकि इस मूवी के अंदर कॉमेडी के साथ जो कि इमोशनल टच भी है। तो देखते हैं डंकी कैसा परफॉर्म करती है, आपका क्या ख्याल है डंकी के बारे में, ये जो कि मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। SRK के सच्चे वाले फैंस तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, हम यहाँ पर हर एक अपडेट जो कि आप तक पहुँचाते रहेंगे। तो मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, कीप वॉचिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हरे कृष्णा राधे राधे।